अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं स्टडी एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 4.9 मैट्रिक की ये बुक है, मैथमेटिक्स की, कराची बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली मैथमेटिक्स बुक। इसकी एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट लें। कहा जा रहा है क्वेश्चन 2 में, 4.9 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी, व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एट। एक्स वाई 8 के इक्वल है जबकि एक्स प्लस वाई माइनस फाइव के इक्वल है। तो बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले इस वैल्यू को ले लेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव को ले लिया जाएगा, बोथ साइड्स पर, दोनों साइड्स पर क्यूब रूट अप्लाई, क्यूब अप्लाई कर दिया जाएगा, पावर क्यूब अप्लाई कर दिया, टेकिंग क्यूब बोथ हैंड साइड, ये हम कह सकते हैं। तो x प्लस वाई पर होल क्यूब, इसी तरीके से माइनस फाइव पर होल क्यूब जब अप्लाई हो जाएगा, तो यहां तो फॉर्मूला ओपन होता है, फॉर्मूला इस तरीके से ओपन होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला, फार्मूले का राइट साइड है, क्यूब वाले फार्मूले का। वैसे नॉर्मली होता था ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने एक्स और वाई के टर्म के अकॉर्डिंग लिख दिया, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा जी, फाइव का क्यूब होता है 5, 5 25, 25, 5 125, और माइनस का साइन क्यूब होगा तो माइनस ही आएगा। थ्री के बाद एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है एट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सेम एज इट इज लिख दिया, प्लस थ्री लिखने के बाद एक्स वाई की जगह हमने लिख दिया है एट, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव और 125, माइनस 125 इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अच्छा 5 3 15 होता है, ये नंबर मल्टीप्लाई कर दी, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15 आया, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 और 5 और 125 और 125 से जो आंसर नंबर आता है माइनस प्लस माइनस होता है 125 में से 120 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस 125 और प्लस 120 से जो आंसर नंबर आता है माइनस प्लस माइनस होता है 125 में से 120 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 5 बचेगा, बड़े नंबर का साइन लगा दिया जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस फाइव आ रही है। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि व्हेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। एक्स वाई 10 के इक्वल है, एक्स माइनस वाई 6 के इक्वल है, तो हमें यहां पर माइनस के टर्म का जो फार्मूला है उसे यूज करना होगा, और उस फार्मूले में हमारे पास तमाम साइन माइनस के होते हैं। किस तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी वैल्यू को लेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, टेकिंग क्यूब बोथ हैंड साइड, दोनों साइड पर क्यूब अप्लाई कर दिए, ये ओपन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वहां प्लस वाई क्यूब हमने ओपन किया था, अब यहां पर माइनस 3xy, उसके बाद एक्स माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 से 36, 36 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 6 से 36 आया और 6 36 मजीद एक 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 से 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 3 से 18, 18 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 21, 216 आ रहा है, इस साइड पर लिख देंगे 216। अच्छा जी, ये तो रफ कॉलम का सेट हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो कि हमें रिक्वायर्ड था उसे ऐसे छोड़ देना है, माइनस 3 के बाद एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, एक्स वाई की वैल्यू वो जो कि 10 गिवन है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6 दी गई है स्टूडेंट्स, क्या दी गई 6, तो उसे यहां लिख देंगे 6, 216 सेम एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये वैल्यू आ गई, 3 टाइम्स 30 होता है, 36 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 60
6 0 0 6 3 18 180 आता है, माइनस 180 इधर आ रहा है, ये राइट साइड पर जाएगा तो 216 में से प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 180 है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 216 माइनस 180 उस साइड पर गया तो ये प्लस 180 होगी। 216 में 180 प्लस कर देंगे, ये मैंने लिखा होता 180 उसमें से 216 प्लस कर रहे हैं 216 सही है, 6 इधर आ गया 8193 396 हमारे पास आंसर आ रहा है। ए क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 396, ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर वो होगा 396। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन टू का, अब जा रहे हैं करने पार्ट नंबर थर्ड। इसमें पूछा जा रहा है 4.9 क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थ्री, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब ये फाइंड करना है व्हेन वाई माइनस जी इज इक्वल टू फोर, ये फोर के इक्वल जबकि वाई जी वाई एंड जी इज इक्वल टू माइनस फाइव, यस माइनस फाइव इक्वल तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ये सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड पार्ट है। अच्छा जी वाई माइनस जी ले लिया फोर के इक्वल था, बोथ साइड पर क्यूब अप्लाई कर दिया, क्यूब की एप्लीकेशन से फॉर्मूला एक्सपैंड होगा y क्यूब माइनस जी क्यूब इसके बाद माइनस थ्री वाई जी इंटू वाई प्लस जी y माइनस जेड आ जाएगा 4 का क्यूब 4 फोर 16 16 फोर 64 होता है वैसे 4 से 24 टू कैरी 4 वन 4 5 6 64 आ गया, यहां पर 64 लिख दिया 4 का क्यूब 64 आता है। किस तरीके से आया 3 4 मल्टीप्लाई हुआ 4 4 16 16 4 सा 64। अच्छा जी वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब या जी क्यूब ये लिख दिया माइनस 3 के बाद वाई जेड की वैल्यू वहां पर गिवन है क्या माइनस 5, तो वहां से देखकर माइनस 5 लिख देंगे। वाई माइनस जेड की वैल्यू जो क्वेश्चन में यहां पर गिवन थी वो थी 4, 4 लिख दिया जाएगा 64 सेम एज इट इज अपनी जगह। अच्छा जी वाई क्यूब माइनस जी क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 से 15 15 इंटू 4 यहीं पर निकालने में मिलता है 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 5 20 02 कॉमन में कैरी गया 4 1 4 5 6 15 इंटू 4 60 आ रहा है माइनस माइनस प्लस 60 और वहां था 64 राइट साइड पर इक्वल के बाद। अच्छा जी तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब ये जी पर क्यूब हो गया 60 जब राइट साइड पर जाएगा तो वहां जाकर ये 64 में से माइनस हो जाएगा और वाई क्यूब माइनस जी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, नहीं हो रहे स्टॉप करके वीडियो आराम से सल्ली से देखिए क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी यहाँ के इसके कुछ पार्ट्स अभी माइन जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो एक पार्ट बल्कि दो पार्ट्स और गिवन है जो कि नज़दीक नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।